हाय गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश में ईडीएम एंड फ्रेस। चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ईडीएम एंड फ्रेस होते क्या हैं। जैसे कि आपने हिंदी में पढ़ा होगा मुहावरे और अनुयोक्तियाँ, उसमें आप क्या करते थे, मुहावरों का अर्थ लिखते थे और उसका वाक्य प्रयोग करते थे। लेकिन इंग्लिश में आपको क्या करना है, वही ईडीएम्स एंड फ्रेस होते हैं। उसमें आपको क्या करना है कि इसको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है, केवल अर्थ नहीं लिखना है, वो भी इंग्लिश में करना है। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए टॉप 7 idioms एंड फ्रेज लिखे हैं जो अक्सर बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए गाइस, पहला idiom एंड फ्रेज देखते हैं। नंबर 1, एट अ स्टोन्स थ्रो, इसका मतलब होता है निकट होना, यानी कोई चीज़ आपके पास समीप होना। तो इसका इंग्लिश में प्रयोग क्या होगा, तो आप लोग सोचिए, अपने मन से कुछ बनाइए, वरना मैं यहाँ पर लिख के लाया हूँ, आप देख ही सकते हैं। माई हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम रेलवेज रेलवे स्टेशन। आपको क्या करना है, जो एट अ स्टोन्स थ्रो है अपने सेंटेंस में यूज करना है। अब जैसे इसका मतलब हो गया, मेरा घर रेलवे स्टेशन के पास है या फिर निकट है। तो चलिए गाइस, दूसरा देखते हैं। ए रेड लेटर डे, एक महत्वपूर्ण दिन या फिर महत्वपूर्ण दिन बोल लीजिए। तो इसको अपने वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे कि इसको आपके प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे कि हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन कौन कौन से हैं। गांधी जी का जन्मदिन हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है, 15 अगस्त हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है, या फिर 26 जनवरी हमारे महत्वपूर्ण दिन है, या फिर वर्ल्ड कप जीतना हमारे लिए इंडिया का महत्वपूर्ण दिन है। तो ऐसे मैंने इसका प्रयोग किया, तो आप देख सकते हैं, विनिंग द वर्ल्ड कप वॉज अ रेड लेटर डे फॉर इंडिया। इंडिया का वर्ल्ड कप जीतना एक बहुत ही बड़ा दिन या फिर महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए या पूरे देश के लिए। दूसरा क्या है, तीसरा, बाई लीप्स एंड बाउंड, तीव्रता से, मतलब कोई भी काम आपको कहा जाए तीव्रता से, जैसे कोई भी काम हो रहा हो तेज़ी से। जैसे आपकी मम्मी ने कहा आपको जाइए तेज़ी से, आपके घर पे कोई मेहमान आया तो आप जाइए तेज़ी से मिठाई लेके आइए, तो आपकी मम्मी ने आपको तेज़ी से कहा मिठाई लाने के लिए, उसी प्रकार यहाँ पे तीव्रता से उसका मतलब होता है। चलिए गाइस, इसको यूज़ करते हैं। आवर कंट्री इज मेकिंग प्रोग्रेस बाई लीप्स एंड बाउंड्स, हमारा देश बहुत तेज़ी से या फिर तीव्रता से विकास कर रहा है। यहाँ पे देखिए, मैंने बाई लीप्स एंड बाउंड्स का उपयोग अपने सेंटेंस में किया है। चलिए गाइस, फोर्थ देखते हैं। चाइल्ड्स प्ले, आसान काम, जैसे कि आपकी मदर के लिए कुकिंग बहुत ही आसान काम होगा, आपके लिए हो सकता है साइकिलिंग बहुत आसान काम हो, वैसे यहाँ पे इसका प्रयोग करना है और अपने सेंटेंस में इसको चाइल्ड्स प्ले को यूज करना है। तो देखते हैं इसका क्या होगा। कुकिंग इज चाइल्ड प्ले फॉर माई फ्रेंड, यहाँ पे आपका दोस्त भी कोई हो सकता है जो उसको बहुत अच्छी कुकिंग आती हो। आप लोग के दोस्त होंगे, पूछ लीजिएगा किसी को आती है अच्छी कुकिंग। नंबर 5, इन ब्लैक एंड वाइट, लिखित रूप में देना, यानी सब कुछ लिख के रूप में देना। अब इसको अपने सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, आप लोग ट्राई कीजिए। मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मुझे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। चलिए गाइस, देखते हैं। आई वॉन्ट एवरीथिंग इन ब्लैक एंड वाइट, मुझे सब कुछ चाहिए ब्लैक एंड वाइट, मुझे सब कुछ लिखित रूप में चाहिए, ऐसे यूज कर ले सकते हैं। फिर आगे कोई सेंटेंस आप बना सकते हैं, या फिर आप आगे का सेंटेंस कर सकते हैं, अवॉइड एमएस, बिना किसी गड़बड़ी के मुझे सब कुछ लिखित रूप में चाहिए। चलिए गाइस, नंबर 6 देखते हैं। पिक होल्स इन, दोष निकालना, जैसे किसी के अंदर आप दोष निकालते हो, माने कि तुम्हारे अंदर ये कमी है वो कमी है, वैसे जैसे लॉयर किसी के अंदर दोष निकालता है, जैसे विटनेस के गवाह में फॉल्ट निकालता है, कमी निकालता है, उसी प्रकार अब इसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, द लॉयर डिड हर बेस्ट टू पिक होल्स इन द विटनेस स्टेटमेंट, वकील अपना पूरा अच्छा प्रयास किया गलती निकालने के या दोष निकालने में, इसके गवाह के बयान में, वकील ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया अपना गवाह के बयान में दोष निकालने का। नंबर 7, ए वाइल्ड गूस चेस, निरर्थक प्रयास करना, यानी कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो हो ही नहीं सकता उसके लिए। जैसे कि आपका दोस्त है, उसको आप साइकिलिंग सिखा रहे हो तो वो सीख ही नहीं पा रहा, तो आप उसको कहोगे ए वाइल्ड गूस चेस फॉर यू, यानी साइकिलिंग आप तुम्हारे लिए बस की बात नहीं है। वैसे मैंने यहाँ पर यूज़ किया, आप देख सकते हैं क्या यूज़ किया, लर्निंग फ्रेंड्स इज ए वाइल्ड गूस चेस फॉर यू। ठीक है गाइस, इसका मतलब होता है लर्निंग यानी फ्रेंच भाषा सीखना तुम्हारे लिए एक निरर्थक प्रयास करना जैसा है, जिसको भी आप बोल रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।